दोस्तों, हमारे भारत देश में कई ऐसी जगह हैं जो बेहद ही अद्भुत और रहस्यमयी हैं, जिन्हें देखकर हम आम आदमी क्या साइंटिस्ट भी हैरान हैं। इन्हीं रहस्यमयी जगहों में से एक है भीमकुंड, जिससे जुड़ी कई रहस्यमयी घटना आज भी प्रचलित है। वैसे ये कुंड देखने में तो बिल्कुल साधारण सा लगता है, लेकिन इसकी खासियत आपको हैरान कर देगी। कहा जाता है कि इसके पानी के स्रोत के बारे में आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है। वहीं यह कुंड इतना चमत्कारी है कि इसके पानी के केवल 3 बूंद से प्यास बुझ जाती है। इस कुंड के बारे में यह भी कहा जाता है कि जब भी एशियाई महाद्वीप में कोई प्राकृतिक आपदा, बाढ़, तूफान या सुनामी आने वाली होती है, तो कुंड का पानी अपने आप बढ़ने लगता है। इस रहस्यमयी कुंड को भीम कुंड कहा जाता है और इसे नील कुंड के नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से लगभग 77 किलोमीटर दूर बाजना गाँव में स्थित है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि यह कुंड महाभारत काल से है। ऐसी मान्यता है कि महाभारत के समय जब पांडवों को अज्ञातवास मिला था, तब वो यहाँ के घने जंगलों से गुजर रहे थे। उसी समय द्रौपदी को प्यास लगी, लेकिन यहाँ पानी का कोई स्रोत नहीं था। द्रौपदी की व्याकुलता देख गदाधारी भीम ने क्रोध में आकर अपने गदा से पहाड़ पर प्रहार किया। इससे यहाँ एक पानी का कुंड निर्मित हो गया, लेकिन पानी का स्रोत जमीन की सतह से लगभग 30 फीट नीचे था। तब युधिष्ठिर ने अर्जुन से अपनी तीरअंदाजी कौशल दिखाने को कहा और पानी तक पहुंचने का रास्ता बनाने को कहा। अर्जुन ने अपने बाणों से जल स्रोत तक सीढ़ियां बनाई। इससे द्रौपदी पानी तक पहुंच गई और पानी पीकर वापस आ गई। कई जियोलॉजिस्ट ने इसकी गहराई को मापने की कोशिश की, लेकिन कुंड का तल नहीं मिल पाया। इस रहस्यमयी कुंड की गहराई को पता करने की कोशिश स्थानीय प्रशासन से लेकर विदेशी साइंटिस्ट और डिस्कवरी चैनल तक ने की है, लेकिन सबको निराशा ही हाथ लगी है। एक बार विदेशी वैज्ञानिकों ने कुंड की गहराई पता करने के लिए 200 मीटर पानी के अंदर तक कैमरा भेजा था, लेकिन फिर भी कुंड की गहराई पता नहीं चल पाया। कहा जाता है कि कुंड के 80 फीट की गहराई में तेज जलधाराएं बहती हैं। ये धाराएं शायद इसे समुद्र से जोड़ती हैं। जियोलॉजिस्ट के लिए आज भी भीम कुंड की गहराई एक रहस्य ही बनकर रह गई है। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से कई तरह की बीमारियाँ दूर हो जाती है। कोई कितना भी प्यासा क्यों ना हो, इस कुंड की केवल 3 बूंद से उसकी प्यास बुझ जाती है। वहीं अगर कोई संकट आने वाला हो तो पानी अपने आप बढ़ने लगता है। कुंड का एक और रहस्यमयी पहलू यह भी है कि आमतौर पर जब कोई व्यक्ति पानी के अंदर मर जाता है तो शरीर पानी की सतह से ऊपर तैरता है, लेकिन भीम कुंड में डूबने के बाद शरीर फिर कभी ऊपर नहीं तैरता और शरीर कभी मिलता भी नहीं है। जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आने वाली होती है तो भीम कुंड का जल स्तर काफी बढ़ जाता है। 2004 में सुनामी के समय जल स्तर लगभग 15 फीट बढ़ गया था और नेपाल के भूकंप के समय भी ऐसा ही हुआ था। इस कुंड के पानी को पवित्र माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि यह पानी कभी भी खराब नहीं होता, जबकि ठहरा हुआ पानी धीरे धीरे खराब होने लगता है। ऐसा कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन भीम कुंड में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। दोस्तों, आपको भीम कुंड के रहस्यों के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।